नमस्कार, शर्मिलास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दही पकौड़ी चाट। ये अक्सर आपने शादियों में या फिर ठेलों पे खाई होगी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मूंग की पकौड़ी चाट बनाने के लिए सबसे पहले तो हम मंगोड़े बनाते हैं। तो देखिए, मंगोड़े बनाने के लिए ये मैंने एक कटोरी छिलके वाली मूंग ली थी। अब जरूरी नहीं है कि छिलके वाली मूंग ले, लेकिन छिलके वाली मूंग के मंगोड़े बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। तो देखिए, उसे मैंने करीब 4 घंटे अच्छे से भिगो लिया था और बाद में रगड़ के उसके मैंने ये देखिए ये छिलके निकाल लिए हैं। अब हम इसे पीसेंगे। मिक्सर के एक जार में हमने दाल डाल दी है, उसमें मैं एक हरी मिर्च डाल रही हूँ और ये थोड़ा सा ग्रेटेड अदरक। आप इसमें खड़ा धनिया भी डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि पीसते वक्त इसमें पानी बिल्कुल ना डालें। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है, नमक हम बनाते हुए ही डालेंगे क्योंकि नमक पानी छोड़ देता है। ये देखिए, पिट्ठी हमने बना ली है, मूंग की दाल हमने पीस ली है और इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला था। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और बची हुई मूंग की दाल को भी पीस लेंगे। ये देखिए, पिट्ठी हमारी तैयार हो गई है और हमने बिना पानी डाले इसे पीसा था, लेकिन फिर भी हमें ये थोड़ी पतली लग रही है, तो हम इसमें 2 चम्मच चावल का आटा डालेंगे। आपको याद होगा, इसे पीसते समय हमने इसमें नमक नहीं डाला था, तो इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और अच्छे से फेंटेंगे। और अब इसके मंगोड़े तलेंगे। देखिए, तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें मंगोड़ियाँ डालते जाएंगे। मंगोड़े हमने इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। आप सोच रहे होंगे धनिया पत्ती वगैरह कुछ नहीं डाली है, क्योंकि हम इसकी दही पकौड़ी चाट बनाएंगे तो ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे हम चीज़ें डालेंगे। ये देखिए, मंगोड़े हमारे कितने अच्छे तैयार हो रहे हैं, दही पकौड़ी की पकौड़ियाँ। ये देखिए, मंगोड़े हमारे तैयार हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे और अब हम सेकेंड बैच तलेंगे ऐसे ही। और ये जब मंगोड़े हमारे बन जाएंगे, फिर हम इन्हें कुनकुने पानी में भिगोएंगे। अब देखिए, एक पतीले में हमने कुनकुना पानी रखा है, उसमें ये तली हुई मंगोड़ियाँ डालेंगे। और जब तक मंगोड़ियाँ भीग रही हैं, हमने 10 मिनट के लिए उसे छोड़ा है, तब तक हम दही तैयार कर लेते हैं। ये हमने 1/2 किलो दही ली है और ये थोड़ी गाढ़ी ही रखते हैं, तो इसमें हम देखिए थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा पिसा जीरा, थोड़ा ये काला नमक और ये सादा नमक ये लेते हैं और दही को अच्छे से फेंट लेते हैं। इसमें हम 1 चम्मच चीनी भी डालेंगे और इसे अच्छे से फेंटेंगे। अब हम मंगोड़ों को निकाल के एक दोने में या जो भी आप जिसमें भी सर्व करें उसमें रखेंगे। इसके ऊपर हम दही डालेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा जीरा मसाला और ये है हमारी सौंठ, यानी इमली या अमचूर की चटनी, ये डालेंगे। थोड़ा सा हम धनिया पत्ती डालेंगे, थोड़ी सी, और ये थोड़ा सा हम अनार के दाने डालेंगे। इसमें उबले आलू भी डालेंगे या पहले भी डाल सकते थे। ये देखिए, उबले आलू डालने से इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। अब देखिए,
थोड़ा सा दही, थोड़ी सी इमली की चटनी, ये है अनार के दाने, जीरा पाउडर और ये है काला नमक और ये है थोड़ी सी लाल मिर्च। इसके ऊपर हम थोड़ी सी हरी चटनी भी डाल देंगे। बिल्कुल लग रही है ना जैसे आप शादियों में और ठेलों में दही पकौड़ी चाट खाते हैं। और देखा आपने ये बनाना कितना आसान था। तो आशा है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो ऐसी ही और रेसिपीज देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जाके उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।